हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर ये कंसीडर टू बी क्या होता है, तो आज का वीडियो है कंसीडर टू बी के बारे में। और बहुत सारे व्यूअर्स के बहुत सारे रिक्वेस्टेड वीडियोस की पेंडिंग लिस्ट है मेरे पास, जो मैं बहुत जल्द सबके वीडियोस बनाता रहूंगा। फ्रेंड्स, हो सकता है मुझे सुबह शाम वीडियोस डालना पड़े, बट मैं एक एक रिक्वेस्ट पर काम करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि कंसीडर टू बी क्या होता है। दोस्तों, एक सेंटेंस है, मैं उसे इस नौकरी के लिए योग्य मानता हूं, यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि वो जो व्यक्ति है वो इस जॉब के लिए सुटेबल है, ये मेरा मानना है। तो जब भी आपका मानना हो कि सामने वाला ऑनेस्ट है, आपका ऐसा मानना हो कि वो इस नौकरी के काबिल है, वो काबिल नहीं है, ये आपकी थॉट है, आपका मानना है, यानी कि वो ओपिनियन है, वो राय है, तो यहां पर आप इस्तेमाल करते हैं कंसीडर टू बी का। तो हिंदी में अगर आप सेंटेंस लिखेंगे तो हो सकता है कि लास्ट में आ जाए कि मैं ऐसा मानता हूं, हो सकता है आ जाए मैं ऐसा समझता हूं, ये हिंदी में आएगा फ्रेंड्स। बट आपकी ऐसी राय है किसी के बारे में, तो यहां पर कैसे हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट उठाइए, आई वी यू दे ही शी इट, प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, और अगर प्रेजेंट में ऐसा है कि आपकी वो थॉट प्रेजेंट में है, अभी है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाइए, I, we, you, they, plural के साथ consider लगाइए और he, she, it, third person singular के साथ considers s कर दीजिए। अगर वो past indefinite है, यानी कि आपकी ऐसी thought थी, आपकी ऐसी राय थी, आप ऐसा मानते थे, तो वहां पर आपको considered करना होगा, आप considering इसमें नहीं बोलेंगे। उसके बाद आप जिसको ऐसा समझते हैं, अगर वो कोई third person है, male है, तो उसे him बोलिए कि I consider him। अगर कोई फीमेल है तो आई कंसीडर हर। अगर कोई मुझे ऐसा समझता है तो ही कंसीडर्स मी, ही कंसीडर्स अस, हम सबको समझता है। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई कंसीडर दिस मैन, आई कंसीडर दिस बिजनेस, ऐसे भी आप यहां पर नाम ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपको टू बी लगाना है, एंड उसके बाद जो भी है, अच्छा बुरा ईमानदार, जो भी आपका एक ऑब्जेक्ट बचता है वो लगा दीजिए। अब मैं उसे इस नौकरी के लिए योग्य मानता हूं, तो कैसे होगा, आई कंसीडर उसे मानता हूं, मेल है तो मुझे हिम लगाना होगा, फीमेल है तो हर, आई कंसीडर हिम, उसके बाद लगाइए टू बी सुटेबल इस नौकरी के लिए, फॉर दिस जॉब। तो पूरा सेंटेंस, आई कंसीडर हिम टू बी सुटेबल फॉर दिस जॉब। अगला सेंटेंस है, वह इसे बहुत महत्वपूर्ण समझता है। अब कैसे होगा, वह ही कंसीडर्स, ही कंसीडर्स इसे, इसे मतलब दिस, कोई भी चीज हो, बोला यार वो इसे बहुत महत्वपूर्ण समझता है, तो दिस, he considers this to be very important, very important, he considers this to be very important। एक और देखते हैं फ्रेंड्स, मैं उसे सफल नहीं समझता हूं, सारी दुनिया उसे सक्सेसफुल मानती है, मैं नहीं मानता कि वो सक्सेसफुल है। अब इसे इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे I don't consider him to be successful, यानी कि मैं उसे successful नहीं मानता हूं, I don't consider him to be successful। एक और है friends, मैं उसे ईमानदार समझता था, मुझे ऐसा लगता था कि वो ईमानदार है, पर वो ईमानदार नहीं था, तो कैसे बोलेंगे, मैं उसे ईमानदार समझता था, I, अब इसका past कर दीजिए, I considered him to be honest. I considered him to be honest. इसमें अगर सवाल जवाब करना हो, नेगेटिव है, तो आपको पता है कि यहां पर आपको don't और doesn't का इस्तेमाल करना होगा, जो present को दिखाता है, और past के लिए आपको didn't का इस्तेमाल करना होगा। सवाल पूछना है तो past में did, और प्रेजेंट में सवाल पूछना है तो डू या डज। इसे अगर बोलना है कि क्या
तुम उसे ईमानदार समझते हो तो डू यू कंसिडर हिम टू बी ऑनेस्ट, क्या तुम उसे ईमानदार समझते थे, डिड यू कंसिडर हिम टू बी ऑनेस्ट। मैं उसे ऑनेस्ट नहीं समझता हूं, आई डोंट कंसिडर हिम टू बी ऑनेस्ट। मैं उसे ऑनेस्ट नहीं समझता था, आई डिडंट कंसिडर हिम टू बी ऑनेस्ट। वह मुझे ईमानदार नहीं समझती है, शी डजंट कंसिडर मी टू बी ऑनेस्ट। इस तरीके से है गाइस। सो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था आई होप उनके समझ में आ गया होगा। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और व्यूअर के रिक्वेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।